नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। दोस्तों, अगर हम आपसे ये कहें कि सड़क दुर्घटना से बचाने वाला हेलमेट अब आपके गंजेपन को भी दूर करेगा, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पटना एम्स एक ऐसा हेलमेट तैयार कर रहा है जो बालों की समस्या का जड़ से समाधान कर देगा। न्यूरोफिजियोलॉजी विभाग के डॉक्टरों का दावा है कि ये गंजापन की समस्या में रामबाण साबित होने वाला है। डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट और न्यूरो फिजियोलॉजी के एडिशनल प्रोफेसर डॉक्टर योगेश कुमार का कहना है कि देश में पहली बार स्किन के उस लेयर पर अध्ययन किया गया है जहां बाल उगने के बाद अधिक समय तक रहकर कमजोर पड़ जाते हैं। इस विशेष हेलमेट में 32 लेजर LED का प्रयोग किया गया है। सिर में पहनने के बाद इसमें 32 अलग अलग तरह की लेजर लाइट आती है और हर लाइट की रेंज का अलग अलग काम होता है। हेलमेट लगाने के बाद LED लाइट अपने हिसाब से काम करने लगेगी। उनका दावा है कि हेलमेट से ट्रीटमेंट में 3 से 4 माह में गंजापन दूर हो जाएगा। इस विशेष हेलमेट को हर दिन पहनने से 3 से 4 माह में बाल आएंगे। डॉक्टर योगेश कुमार ने यह भी बताया कि देश में अब तक गंजापन दूर करने के लिए कोई स्थायी समाधान नहीं है, इस पर काम किया जा रहा है। इसके लिए देश में अब तक हुए सभी शोध का अध्ययन किया गया, इसके बाद विशेष प्रकार के हेलमेट को तैयार किया जा रहा है। हेलमेट का मॉडल बनाने के लिए इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, इस कारण IIT पटना के सहयोग से मॉडल तैयार किया जा रहा है। मानना तो ये भी है कि ये नया प्रयोग गंजेपन की समस्या का स्थायी समाधान हो सकता है। मॉडल और थेरेपी की पद्धति को पेटेंट कराने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा। डॉक्टर योगेश का कहना है कि मौजूदा समय में लोग समय से पहले ही गंजे हो रहे हैं। अक्सर दवाएं गंजापन में काम नहीं करती हैं, इस कारण से बाल नहीं आते हैं। आते भी हैं तो अधिक समय तक नहीं टिक पाते। बाल आने के 3 स्टेप हैं और इस पर काम किया जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा। उन्होंने बताया कि बाल 3 स्टेप में आते हैं, एनाजन और टेलाजन और फिर केटाजन से बाल बाहर आते हैं। बालों की मैक्सिमम ग्रोथ एनाजन में होती है और उसके बाद केटाजन और टेलाजन में बाल आते हैं। डॉक्टर कुमार ने बताया कि शोध और कई लोगों पर अध्ययन करने पर यह पाया गया है कि गंजापन में एनाजन फेस में कम समय तक बाल रहते हैं, इस कारण से टेलाजन के फेस का समय बढ़ जाता है। जिन लोगों में टेलाजन आ गया उसे वापस एनाजन में रिवर्ट कर दिया जाए तो बिना दुष्प्रभाव के लाभ हो सकता है। गंजेपन में खून का दौरा कम हो जाता है, इस कारण से बाल प्रभावित होते हैं। 3 स्टेप जब पूरी तरह से काम करेंगे तो बाल बाहर मजबूत होकर आएंगे। गंजापन होने का बड़ा कारण एनाजन से टेलाजन में बालों का परिवर्तन तेजी से होना है। एनाजन में उगने वाले बालों का अधिक समय तक नहीं रहने के कारण समस्या आ रही है, इस कारण से वो बाहर कमजोर होकर आता है और फिर अधिक समय तक रुक नहीं पाता। टेलाजन तक बालों को समय लगना चाहिए, लेकिन इसमें कम बैलेंस होने से समस्याएं आ रही हैं, जिसको लेकर अब पटना एम्स में इसी प्रकार का एक हेलमेट तैयार किया जा रहा है जो कि आपके गंजेपन की समस्या को दूर करने का एक स्थायी उपचार हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होती है कि पटना एम्स के ये पहल कब तक कारगर सिद्ध हो पाती है। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।